मैश पटाटे हम बनाने लगे और सिंपल है, बहुत अच्छी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पर। काली मिर्च, मक्खन, क्रीम, थोड़ा सा नमक और यार दैट्स इट। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। आपकी चॉइस, आप कोई भी चीज़ वो भी ऐड करना चाहें। दुष्पर लोग जो है इसमें मशीनें यूज़ करते हैं, लेकिन मैनुअली जो है वो ज़्यादा अच्छा है, इसका अपना टेस्ट आता है, तो हम मैनुअली पसंद करते हैं। आलू के बाद क्रीम ऊपर इस्तेमाल करके, नीचे हमने ऑलरेडी काली मिर्च डाली हुई है, हम इसे मैश कर रहे हैं। जी, तो मैश्ड पोटैटोज़ हमारे तैयार हैं। अब हमने एक बाउल में से सेपरेट कर लिया है, मैश करने के बाद, मिक्स करने के बाद। अब कोई भी ग्रीन जो है आप कुछ चीज़ डाल सकते हैं, जैसे धनिया है, मिंट है थोड़ा सा इसकी, बनाने के लिए स्प्रिंकल कर, ये अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। थैंक यू सो मच जी, इतना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, इंजॉय करें। जो हमने चिकन पहले मैरिनेट किया था, उसको हमने स्टीम कर लिया और अब उसे थोड़ा सा फ्राई करना है, अराउंड शैलो फ्राई, जस्ट कलर की चेंजेस हैं, अराउंड 40 सेकेंड तक हम ये एक्साइट करेंगे। ये देखिए, अब ऑलमोस्ट रेडी, हम निकाल लें। थोड़ा सा स्लिपरी है, काफ़ी टेंडर है मेरी लेकिन, अच्छा जनाब, तो हमारे पास ये वेजिटेबल्स हैं स्टर फ्राई के हवाले से, और ये थोड़ा सा मैरिनेशन का जो मसाला था वो है, और इसमें थोड़ा सा मक्खन है, और अब हम उसको स्टर फ्राई कर लेंगे इन वेजिटेबल्स को। अच्छा जनाब, अब थोड़ी सी हर्ब्स जो हमने इस पर डाली हैं, मुख्तलिफ हर्ब्स यूज़ करते हैं, कुछ इटालियन हर्ब्स डालते हैं लोग, कुछ ऑरिगेनो यूज़ करते हैं, तो आपने ऐसे स्प्रिंकल कर लेनी सारी, और थोड़ा सा इसको ऊपर करके, और कुछ भी हमारी कुछ और वेजिटेबल्स हैं जो आपने ऐड कर देनी है इसमें, और जेंटली आपने उसको नीचे कर ताकि अच्छा सा मिक्स हो। तो ये एक हमारा फैमिली फ्रेंड है, उनके लिए हम एक प्लेटर तैयार कर रहे हैं। इसमें चिकन है, मैश्ड पोटैटोज़ हैं, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स हैं, और चावल राइस। ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार कर लिया हमने अपने फ्रेंड्स के लिए।